रेजोल्यूशन की। स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स अ रेजोल्यूशन विच हैज बीन पास्ड बाय अ मेजोरिटी। तो 51% भी मेजोरिटी है, तो आगे एक्सप्लेन कर दिया गया है, ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंटाइटल्ड टू वोट एज आर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और वोट थ्रू पोस्टल बैलेट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली गिवन। जब आपने शेयर होल्डर को बुलाना होगा तो आप एक मीटिंग कॉल करेंगे, उस मीटिंग से 21 दिन पहले उनको नोटिस देंगे। नोटिस में कहेंगे भाई मीटिंग बुला क्यों रहे, एजेंडा क्या है, नाम चेंज करना और ये नाम रखना है हमने, सही है। ये 21 दिन पहले आप एजेंडा देंगे। और जब अगर फॉर एग्जाम्पल 100 बंदे हैं, 100 मेंबर्स हैं, हर मेंबर के पास एक एक शेयर है, जब तक 75 या 75 से ज्यादा इसके हक में फैसला नहीं कर देते, नाम चेंज नहीं होगा। क्या यहां तक बात समझ आती? जब वो फैसला करेंगे तभी नाम चेंज होगा। 74 लोगों ने कहा नाम चेंज करना है, 26 लोगों ने कहा नाम चेंज नहीं करना, नाम चेंज नहीं हो सकेगा। इसके अंदर बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं, बहुत से इंप्लीकेशन है प्यारे बच्चों। जो वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं एक एक वर्ड के ऊपर रेगुलेशन है, सही है, समझने की कोशिश करिएगा। जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन कॉल करनी होती है, नोटिस जाता है, नोटिस में क्या बताना होगा उसके ऊपर एक सेक्शन है, आगे जाके देखेंगे, सही है। एक सेकंड, जनरल मीटिंग कौन सी वाली कॉल करनी होगी? जनरल मीटिंग की बहुत सारी टाइप्स होती है, कौन सी कॉल करनी है, कौन सी कॉल नहीं करनी, ये एक कॉन्सेप्ट। 100 बंदे हैं, हर बंदे के पास एक एक शेयर है, 10 बंदे आए नहीं, अब 75% कैसे निकलेगा? 100 का 75% निकलेगा या फिर 90 का 75% निकलेगा? ये भी इसके अंदर एक टेक्निकलिटी आएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? आप या तो वोट दें या वोट ना दें, आप कह दें मुझे नहीं पता। इस केस में हम क्या करेंगे कि सारे सिनेरियोस हमारे आगे जाकर सारी चीजें कहां कवर करेंगे हम, दिल्ली से बता दें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेरे प्यारे बच्चों। डन हो गया यहाँ पे। अच्छा।